दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म हैदर के बारे में। कहानी कहीं कश्मीर में शुरू होती है, जहां तब्बू अपने हस्बैंड डॉक्टर के साथ रहती है। एक दिन डॉक्टर साहब एक अलगाववादी को अपने घर ले आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो वांटेड है, हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये इन्फॉर्मेशन किसी तरह मिलिट्री को मिल जाती है, मिलिट्री अटैक करती है, डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, अलगाववादियों को मार दिया जाता है और घर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। इनका बेटा है शाहिद, जिसका नाम हैदर है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हैदर घर वापस आता है, उसको मिलिट्री पकड़ लेती है, बट जैसा हमेशा होता आया है कि फिल्म में हीरोइन का रोल होता है और हीरोइन 99% पत्रकार ही होती है। श्रद्धा आकर मिलिट्री को बताती है कि भाई शाहिद कपूर उसका बॉयफ्रेंड है और उसको छुड़ा कर ले जाती है। शाहिद अपने घर आता है और देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब वो अपनी मां को ढूंढने जाता है और देखता है कि मां उसके चाचा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगती, बेटा नाराज हो जाता है। मां समझाने की कोशिश करती है कि उसको गलतफहमी है, बट वो नहीं मानता। इसके बाद हैदर अपने बाप को ढूंढने में लग जाता है और बताया गया है कि कश्मीर में उस वक्त 95 में कितने कैंप थे अलग अलग जगह पे, जहां कश्मीरियों को पकड़कर रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको मार दिया जाता था बिना किसी केस के और बिना किसी क्राइम के। शाहिद कपूर अपने बाप को ढूंढने के लिए हर कैंप में जाता है, श्रद्धा कपूर उसकी मदद कर रही है और कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है। अब तक फिल्म में कोई गाना नहीं हुआ है। दो कैरेक्टर आते हैं जो सलमान खान की खूब उड़ाते हैं और इंटरवल हो जाता है। और यकीन कीजिए, यहां तक फिल्म ठीक ठाक है। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ निकल सकता था, फिल्म और शार्प हो सकती थी, फिल्म का पेस तेज हो सकता था, बट फिर भी यहां तक फिल्म ठीक ठाक है। इंटरवल के बाद इरफान खान की एंट्री होती है, जो श्रद्धा कपूर को बताता है कि हैदर के लिए उसके बाप का मैसेज है। इरफान खान हैदर को बताता है कि उसके बाप को टॉर्चर किया गया और उसी के साथ मार दिया गया था, बट वो किसी तरह बच गया। और इस सब के पीछे हैदर के चाचा और मां का हाथ है। अब हैदर की नजरों में मां और चाचा विलन बन जाते हैं और वो उनसे बदला लेना चाहता है। और अब चाचा की और हैदर की मां की शादी हो जाती है। हैदर इससे और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ, इन दोनों ने ही उसके बाप को मारा है। यहां अगेन एक सॉन्ग होता है और ये सॉन्ग ठीक ठाक है, क्योंकि एक कहानी कहता है, बट नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट विशाल साहब, मुझे ये बताइए, ये कोरियोग्राफर आप कहां से लाए हो भाई जी? कहीं से अफ्रीका से पकड़ के लाए हो क्या? वो पिछली कौन सी फिल्म थी आपकी, मतरू की बिजली का मंडोला समथिंग, ऐसा ही कुछ था ना, बहुत बड़ा क्या, छोड़ दीजिए सर। तो उसमें भी ऐसी कोरियोग्राफी थी सर, या यो हा ही सर, आय है सर। अब अचानक शाहिद कपूर
पागल हो जाता है, जोकर बन जाता है। वो लड़का जो बहुत ही होशियार था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो बचपन में ही एक गन घर लेकर आ गया था, अब उस साले को यही पता नहीं है कि गन कैसे पकड़नी है, बदला कैसे लेना है, बात कैसे करनी है, और एकदम पागल बन जाता है। अब इसी पागलपन में शाहिद अपनी कब्र खोद के उसमें सो रहा है। शाहिद को समझ में नहीं आ रहा है कि इरफान खान झूठ बोल रहा है या मां और चाचा झूठ बोल रहे हैं। शाहिद गलती से या जानबूझकर श्रद्धा के बाप को मार देता है। श्रद्धा का भाई श्रद्धा को मार देता है। शाहिद श्रद्धा के भाई को मार देता है। मतलब शाहिद उस विलन को, उस चाचा विलन को जिसकी वजह से पूरी फिल्म बनी, जिसको मारना चाहता था, उसको छोड़ देता है। अचानक शाहिद इंसान बन जाता है, पागल नहीं रहता। सर 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 पीट लो सर, सर विशाल साहब माफ कर दो और भी बता दो आगे क्या क्या है सर, सर फिल्म से निकल के जाऊं या ना जाऊं सर बता दो सर, सर दिमाग की मां की ऐसी की तैसी हो गई सर। और इस तरह से फिल्म खत्म हो जाती है। स्क्रीन प्ले बशारत पीर और विशाल जी ने लिखा है और बहुत ही वाहियात लिखा है। डायलॉग्स विशाल भारद्वाज जी ने लिखे हैं और बहुत ही बेहतरीन लिखे हैं। एक एक डायलॉग को आप बार बार सुन सकते हैं। म्यूजिक फिल्म में क्यों है मेरी समझ में नहीं आया, बट जो भी है वो भी अच्छा नहीं है। एक्शन बिल्कुल ठीक है, बहुत रियल है, फिल्म के हिसाब से है। कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया है। लोकेशन पूरी फिल्म कश्मीर में शूट हुई है। माय गॉड बहुत ही वाहियात है, बहुत ही खराब है। अगर इस फिल्म की एडिटिंग अच्छी होती, ये फिल्म 2 घंटे की होती, तो ये फिल्म एक मास्टरपीस होती। इस फिल्म को मैं 5 स्टार देता। ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती। मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी फिल्म को सिर्फ एडिटिंग की वजह से बर्बाद क्यों किया गया। भाग मिल्खा भाग के साथ भी यही हुआ। अगर वो फिल्म 2 घंटे की होती तो वो एक मास्टरपीस होती और उस फिल्म ने कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस किया होता। बट ये गलतियां क्यों होती है, समझ से परे की बात है। शाहिद कपूर ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, माइंड ब्लोइंग सुपर। आज तक शाहिद ने जितनी फ्लॉप फिल्में दी हैं वो सब उनको यहां माफ हो गई हैं। मैं शाहिद को 5 में से 5 स्टार देता हूं। श्रद्धा कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और वो बहुत खूबसूरत लगी है। तब्बू ने मां के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। के मैनन ने विलन के रोल को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। इरफान खान ने अपने छोटे से रोल को बेहतरीन निभाया है। बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। विशाल भारद्वाज जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि ये फिल्म हमेशा सिर्फ अपने लिए बनाते हैं। इन्होंने जिस प्रोड्यूसर के लिए एक फिल्म बना दी, वो प्रोड्यूसर सपने में भी दोबारा इनके पास आता नहीं है। इसलिए इनकी एक एक फिल्म एक एक प्रोड्यूसर के साथ है। मतलब सर आपने
मैं कहता हूं 2 घंटे की इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई, फिर अचानक ये चुतियापा करने की क्या जरूरत है सर? आप कौन सा मेडल लेना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि देखिए मुझसे बड़ा चुतियापा हिंदुस्तान में कोई डायरेक्टर कर नहीं सकता, जब तक बॉलीवुड रहेगा मेरे चुतियापे को याद किया जाएगा, ऐसा क्यों है सर? एनी हाउ मैं डायरेक्टर साहब को देता हूं 2 स्टार। कुल मिलाकर फिल्म एक बार भी देखने के काबिल नहीं है यार। मैं ये कहता हूं कि हां शायद अगर आप उस फिल्म में से 45 मिनट भूलना चाहते हो और फिर देखना चाहते हो तो कुछ सीन बहुत बेहतरीन है यार, इसलिए मैं देता हूं इस फिल्म को 2 स्टार। मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 2। ये शाहिद कपूर का अच्छा लक है कि इतनी लंबी छुट्टी है और इतनी लंबी छुट्टी की वजह से फिल्म 40 से 50 करोड़ का बिजनेस करेगी, बट मैं कहता हूं फिर भी शाहिद कपूर की एक्टिंग के लिए ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।